तो ये देखो, तो यहाँ पर आपको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर। बूट स्पेस काफी अच्छा खासा मिल जाता है, स्पेयर व्हील इसके अंदर नहीं आ रहा है। हेलो दोस्तों, मैं नाम सुमित कटारिया। तो भाई सामने आप ये जो गाड़ी देख रहे हैं ये है हुंडई एक्स्टर SX CNG वेरिएंट डुअल सिलेंडर वाली। अब इस गाड़ी के अंदर भी भैया वो काम हो गया जो टाटा ने किया था। इस गाड़ी के अंदर अब डुअल सिलेंडर वाली टेक्नोलॉजी आ गई जिसकी वजह से इस गाड़ी के अंदर अब बूट स्पेस काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। मतलब पहले क्या था कि भाई इस गाड़ी के अंदर CNG तो थी, माइलेज भी अच्छा था 27 किलोमीटर पर KG का, बट वहाँ पर क्या हुआ था कि भैया बूट स्पेस नहीं मिला करता था। बट अब एक्स्टर के अंदर भी आपको भाई, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, बात नहीं ज़्यादा करता हूँ। भाई गाड़ी हो गई है लॉक्ड, अनलॉक करनी पड़ेगी और उसके बाद जो एक बार दिखाना पड़ेगा भाई गाड़ी जो है लॉक वॉक हो जाती है। तो ये देखो, तो यहाँ पर आपको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर जो कि हुंडई ने भी इंट्रोड्यूस कर दिया। बूट स्पेस काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। पहले 391 लीटर का आता था इसके पेट्रोल वेरिएंट के अंदर, अब उसका आधा मान लोगे तो भैया 200 लीटर का या फिर 220 लीटर का आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाएगा। पार्शियल ट्रे अब आपको नहीं मिलेगी क्योंकि भाई अगर पार्शियल ट्रे लगा दी तो बूट स्पेस बचने का नहीं। तो कहीं ना कहीं आप 2 से 3 बैग आराम से रख सकते हो। अभी मैं आपको डेमो भी दिखा दूंगा किस तरीके से भाई कितने बैग्स इस गाड़ी के अंदर आ जाएंगे, तो उसका भी मैं आपको डेमो दिखा दूंगा, ठीक है। तो कंपनी वालों से मैंने बोला कि भाई 1-2 बैग का अरेंज कर दो, तो भाई वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। बाकी ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको भाई इस गाड़ी के अंदर मैट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो अभी डिटेल के अंदर बात करेंगे, फिलहाल मैंने शॉर्ट के अंदर आपको बता दिया कि भाई इस गाड़ी के अंदर ये चीज़ मिल जाती है, ठीक है। फ्रंट लुक से स्टार्ट कर लेते हैं फिर पीछे की तरफ आते हैं, तो एक एक करके आपको सारी चीज़ बता दूंगा कि भाई कुछ अपडेट भी आए क्या इस गाड़ी के अंदर। तो भाई फ्रंट लुक से स्टार्ट कर लेते हैं, उससे पहले प्राइस बता देता हूँ। 9,23,000 रुपये की आपको जो एक्स शोरूम मिल जाती है ये गाड़ी। मैं हूँ फिलहाल समुद्रा हुंडई मेरठ के अंदर, तो बेस्ट प्राइस के लिए जो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डीलरशिप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी स्क्रीन पे हाईलाइट हो रहा होगा। अब जो फ्रंट लुक से स्टार्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे एस शेप में DRS मिल जाती है, इंडिकेटर पीछे के साइड रहने वाला है, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाते हैं बट ये हेलोजन के अंदर है। पियानो बैक फिनिशिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये जो आप कलर देख रहे हैं ये ब्लैक नहीं है, स्टेरी नाइट कलर है। ब्लैक कलर भैया वो कड़ा, उसकी सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, वो देख लेना, सबसे पहले मैंने ही डाली थी। बाकी कर्टन क्रीसेस काफ़ी अच्छे खासे मिल जाते हैं, हुंडई का लोगो आपको मिल जाता है, एक्स्टर की बैजिंग अपना स्पेसिंग के साथ में, पियानो बैक फिनिशिंग मैट ब्लैक के अंदर आपको यहाँ पे फिनिशिंग, बाकी स्किट प्लेट सिल्वर कलर के अंदर यहाँ पे आपको दी गई है जो कि काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। बाकी डायमेंशंस की अगर मैं बात करूँ 1710 mm की विड्थ, और व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ 2450 mm का मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, जो कि भाई काफ़ी अच्छा खासा दिया गया है। ऑल ओवर फ्रंट लुक इस गाड़ी का ये रहने वाला, काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पे लुक मिल जाता है। माइक्रो SUV के हिसाब से नया इस गाड़ी का लुक काफ़ी बढ़िया दिया गया है। साइड लुक की तरफ चलते हैं इस गाड़ी के, तो भाई साइड की प्रोफाइल ये रहने वाली है। यहाँ पर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, अलॉय व्हील्स नहीं है ये, फ्लेक्सी रहने वाले हैं जो कि भाई प्लास्टिक का कवर मिलता है, बट ये पूरा आपको अलॉय व्हील वाला फील दे देंगे। 175/65 R15 का सेक्शन रहने वाला है, अब पंच के अंदर 16 इंच का मिलता है, तो यहाँ पे ड्रॉबैक हो गया। और एक ड्रॉबैक अभी और भी आगे दिखाऊंगा कि भाई क्या ड्रॉबैक आपको मिलने वाला है। क्लैडिंग अपने यहाँ पे रहने वाली है जो कि यहाँ से होकर पीछे तक जा रही है। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल वाटर फोल्डर मिरर्स, यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है, और डोर हैंडल आपको यहाँ पे बॉडी कलर ही दे रखे हैं, A+ ब्लैकआउट, B+ ब्लैकआउट और C+ यहाँ पे आपको भाई ब्लैकआउट रहने वाला है। यहाँ पे आपको वही पियानो बैक फिनिशिंग दे रखी है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी और CNG टैंक की अगर मैं बात करूँ और CNG नोजल की बात करूँ तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। 37 लीटर की आपको यहाँ पर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, प्लस CNG का नोजल अपना यहाँ पर रहने वाला है, और 30+30 लीटर के आपको यहाँ पर ट्विन सिलेंडर मिल जाते हैं CNG के, जो कि काफ़ी बढ़िया है। बाकी 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, और CNG के हिसाब से ट्विक भी करा गया है, अगर आप देखेंगे तो ट्विक करा गया है, ठीक है। तो ये अभी देख सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं कि सस्पेंशन बैठ रहा है, हालांकि मैंने सुना है 3 जने इस गाड़ी के अंदर जब पीछे बैठ जाते हैं थोड़ा सा ये गाड़ी दब जाती है, बट भाई वो आप अपने हिसाब से देख लेना, बट CNG के हिसाब से तो ऐसे कोई गाड़ी दब नहीं रही है, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। रियर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको भाई CNG की बैजिंग, रियर डीफॉग, हाइड्रो स्टॉप लैंप, स्पॉइलर नहीं है यहाँ पर, स्पॉइलर नहीं मिल रहा, शार्फिन एंटेना आपको मिल जाता है, बाकी रूफ रेल्स आपको यहाँ पर दी गई है। एच शेप के अंदर आपको यहाँ पर रियर टेल लैंप्स मिल जाते हैं, इंडिकेटर, रिवर्स लैंप, एक्स्ट्रा की बैजिंग, 2 पार्किंग सेंसर, यहाँ पे आपको पियानो बैक फिनिशिंग, 6 एयरबैग गाड़ी के स्टैंडर्ड आते हैं। बाकी ये देखो, हे CNG डुओ, तो ये भैया ये लिख रखा है इन्हें, हे है, हाई है, जो भी इन्होंने लिख रखा है, तो CNG डुओ अपना इसके अंदर आ गया, तो डुअल सिलेंडर मिल जाते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल के अंदर बात कर लेते हैं कि भाई हुंडई ने इस गाड़ी के अंदर दिया क्या है। तो आप ये देख सकते हैं ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा के अंदर आ गई, ठीक है। 2 सिलेंडर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जो कि यहाँ नीचे के साइड दे रखे हैं, 30+30 लीटर के रहने वाले हैं, कंबाइन होकर आपको 12 किलो रहने वाला है, और कहीं ना कहीं 7 से 8 किलो इसके अंदर आ जाएगी।
बाकी एक चीज़ जो कि पंच में मिल रही है, इसमें नहीं मिल रही है, वो है भाई अपना जो है स्पेयर व्हील। स्पेयर व्हील इसके अंदर नहीं आ रहा है, जो कि भाई थोड़ा सा ड्रॉबैक है। बाकी ऑल ओवर सारा का सारा लेआउट यहाँ पे ये दिया गया है। अगर आप नोज़ल देखना चाहेंगे तो ये इसके नोज़ल्स हैं, और इसको अगर मैनुअली ऑफ करना चाहते हैं कि भाई इन केस मान लो लीकेज हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो सब जो है यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं, ये रेड कलर जैसे कि बोल रखा है मैनुअली शट ऑफ वॉल्व, तो वॉल्व आपको यहाँ पे दे रखा है। बाकी सी एन जी का नोज़ल अपना यहाँ पे दिया गया है, जो कि भाई काफ़ी बढ़िया चीज़ है। पंचर किट इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल है, जो कि अभी इस गाड़ी में नहीं है, बट हाँ हुंडई ने जो प्रोवाइड करा है पंचर किट्स आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो कि मोबिलिटी किट कहती है कंपनी बहुत सारी, जो कि यहाँ की साइड रखी जाती है, बट अभी इस गाड़ी के अंदर नहीं है, बट आपको एट डिलीवरी के टाइम पे मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे मैट्स मिल जाते हैं, बट इस गाड़ी के अंदर भाई स्पेयर व्हील नहीं आता, जो कि थोड़ा सा ड्रॉबैक है। बाकी यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको ट्रिम मिल जाती है, ठीक है। अब जो इस गाड़ी के रियर डोर की तरफ चलते हैं, तो रियर डोर कुछ आपको ये मिलता है इस गाड़ी के अंदर, डुअल टोन ट्रिम मिल जाती है, एक बॉडी स्पेस, स्पीकर ग्रिल, चार स्पीकर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी सीट की अगर मैं बात करूँ तो भाई काफ़ी अच्छी खासी सीट आपको मिल जाती है, लेग स्पेस काफ़ी अच्छा खासा, थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा खासा, हेड रूम भी आपको भाई बहुत ही बड़ा मिलता है, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। एडजस्टेबल हेडरेस्ट रियर सीट पे मिल जाते हैं, बाकी फ्रंट में आपको कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते, फिक्स रहने वाले हैं। रियर एसी वेंट्स और 12 वॉट का आउटपुट, और ये सब आप जो मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी लेदरेट आपको प्लस फैब्रिक सीट्स मिल जाती हैं इस गाड़ी के अंदर, बाकी डार्क ग्रे आपने दे रखा है। अब जो है फ्रंट डोर की तरफ चलते हैं, उससे पहले आपको की दिखा देता हूँ। तो की मिलती है आपको ये भाई, मेरी जो है ईयरफोन्स भी बाहर आ गई हैं, अभी मैं गाने सुन रहा था, इससे पहले अंदर कर देता हूँ एक सेकंड, अब दिखाता हूँ की, सॉरी गलती हो गई। तो की आपको मिलती है ये, हुंडई का लोगो आपको मिलता है। बाकी लॉक अनलॉक फॉलो में हेडलैम्प का बटन नहीं मिलता आपको, बूट ओपन का बटन मिल जाता है। फ्लिप की आपको यहाँ पर दी गई है, बाकी दूसरी की बेसिक की ही यहाँ पर मिलती है इस गाड़ी के अंदर। अब जो इस गाड़ी के फ्रंट डोर के बारे में बात कर लेते हैं, तो डुअल टोन ट्रिम आपको यहाँ पे मिल जाती है, 4 पॉइंट कंट्रोल, एक बड़ी स्पेस, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल मिरर्स मिल जाते हैं, डार्क ग्रे कलर, यहाँ पे लॉक अनलॉक, हाइट एडजस्टेबल सीट आपको मिल जाती है। बाकी ESP फ्यूल और CNG के अंदर आप स्विच कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बाकी यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलते, यहाँ की साइड मिलते हैं, ये तो अपना जो है MID कंट्रोल्स रहने वाले हैं। बाकी स्टीयरिंग व्हील टिल्ट ही मिलता है इस बजट के अंदर, टिल्ट ही मिलेगा भाई, टेलीस्कोपिक भूल जाओ, वो तो प्रीमियम गाड़ियों के अंदर मिलता है, जैसे कि भाई i20 और बलिनो के अंदर, एल्ट्रॉस के अंदर भी नहीं मिलता। बाकी क्लस्टर की एनिमेशन देखो भाई, क्या बढ़िया लग रहा है क्लस्टर, मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का, की लगानी पड़ेगी दोबारा से और फिर क्लस्टर देखना आप। यहाँ पर आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, स्पीड मीटर है यहाँ, RPM मीटर है यहाँ, बाकी फ्यूल गेज अपना यहाँ और हीट गेज अपना यहाँ, मतलब CNG गेज अपना यहाँ पर रहने वाला है। डिस्टेंस टू MT TP आप जो चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये करंट इन्फो, टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम भी मिल जाता है, जो कि हाईलैंड रहने वाला है, मतलब कि मान लो इसमें 22 है तो एग्जैक्टली 22 दिखाएगा, या फिर भाई 35 PSI हो रहा तो वही 35 PSI दिखाएगा, तो यहाँ आपको हाईलैंड वाला मिलता है, ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा सा लैग वाला मिलेगा, अच्छा खासा आपको जो है मिलने वाला है। बाकी CNG पेट्रोल के अंदर जो स्विच कर सकते हैं, वो सब अपना इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि भाई ये अपना जो यहाँ से कन्वर्ट हो गई है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 8 इंच का डिस्प्ले मिलता है, एंड्रॉइड ऑटो एप्पर कारप्ले के साथ में आपको दिया गया, वायरलेसली 4 स्पीकर साथ में मिल जाते हैं। बाकी AC वेंट्स, ऑटोमेटिक AC, टाइप सी पोर्ट, 12 वॉट का आउटपुट, USB पोर्ट, यहाँ पे स्पेस, फर्स्ट गियर बॉक्स, 2 कपड़े के बेस, यहाँ पे स्पेस। सीट की बात करूँ, काफ़ी अच्छी खासी आपको सीट्स मिल जाती है। ग्लोव बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो भाई अच्छा खासा ग्लोव बॉक्स मिलता है, और ये जो स्पेस आप देख रहे हैं ये काफ़ी बढ़िया स्पेस है। कोटा सीट पे कोई बैठा है और अपना फ़ोन या कोई भी स्पेस, मतलब स्पेस कह रहा हूँ, चीज़ रखना चाहता है तो वो इजीली रख सकता है। कोटा 70 mirror की बात करें, आपको दिया गया है आयर, आपको डेनर्ड मिल जाता है। बाकी माइक, सनरूफ आपको मिल जाती है इस वेरियंट के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया। ये SX CNG वेरियंट है, टॉप एंड वेरियंट है CNG का। बाकी डार्क सड़क कुछ जो है टिकट होल्डर दिया गया है। तो भाई ये तो बात रही ऑल ओवर इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, एक्सटीरियर के बारे में। डैशबोर्ड की बात करूँ, डुअल टोन डैशबोर्ड मिल रहा है। अभी जो सिल्वर फिनिशिंग आप देख रहे हो ना, अगर ये डोर पर यहाँ पे होता, यहाँ होता, तो भाई कॉन्ट्रास्ट देखो क्या आता। आफ्टर मार्केट ये ना यार, आप काम करा लेना तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा, मतलब कॉन्ट्रास्ट काफ़ी बढ़िया आएगा, आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा, हालांकि मेरे को नहीं हो रहा है, बट ये ब्लैक ट्रिम इतनी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि देखो
डुअल टोन, यहाँ भी डुअल टोन होना चाहिए था, एटलीस्ट ये सिल्वर कलर के अंदर हो जाना चाहिए डोर हैंडल। बाकी जो है भाई इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो भाई 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESP, हिल रोड जैसे फीचर आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं बेस रेंट से। बाकी वारंटी की अगर मैं बात करूँ 3 साल 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है हुंडई इस गाड़ी के साथ में। अब जो इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात कर लेते हैं, तो इंजन आपको जो है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है इस गाड़ी के अंदर। खास बात ये, अब देखो इसके अंदर स्टेपनी नहीं है बट 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, तो पंच के अंदर उल्टा है, वहाँ पर स्टेपनी मिलती है 4 सिलेंडर इंजन नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का कापा सीरीज का इंजन मिलता है जो कि 69 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, 95 Nm का टॉर्क। माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो सिटी के अंदर, भैया सिटी के अंदर क्या है भाई, कंबाइन ही बताते हैं 27 किलोमीटर पर KG का आपको जो है कंपनी क्लेम करती है CNG के अंदर। बाकी भाई आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं क्योंकि CNG के अंदर निकल जाता है ज़्यादा। ऊपर आपको इंसुलेशन नहीं मिलती है क्योंकि आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। बैटरी अपना यहाँ ऑल ओवर लेआउट ये दिया गया है। तो ये थी आपकी ऑल न्यू हुंडई एक्सटर SX CNG डुअल सिलेंडर। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।